भाई जिसको चाहिए 90% डिस्काउंट पे दे रहे भैया। आजा आजा तो 90% डिस्काउंट मिलेगा भैया। ये सब कमाल ये पता नहीं किसका माल ये ब्रश ब्रश ले लो 10 के बाद 10 के बाद मैं कह रहा हूं मेरे काम गाड़ी डिपो में लग रहे हैं शादी करने लो काम करने मिलेगा सही कह रहे हैं इसीलिए दूसरी शादी है और देखो उधर बस रॉन्ग साइड जा रही है ये देख रहे हो पूरी की पूरी बस रॉन्ग साइड भाई बस मॉडिफिकेशन पे जब आएंगे तो कंटिन्यू आएंगे फिर तो भाई एक दिन में ही सारी मॉडिफिकेशन करवा लेंगे सुबह से शाम तक सुबह से और रात ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। हेलो 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 गुड मॉर्निंग गाइस राम राम सभी भाइयों को। तो कैसे भाइयों देखो आज हम फुल पैक्ड होके यानी कि शॉल और डाल के और टोपा वोपा लगा के फुल पैक होके निकल ले घर से बाहर। काफ़ी दिनों का कोई व्लॉग नहीं आया और आज हमको थोड़े से हैं काम। थोड़ी तबीयत ठीक है पहले से, बीच में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा तबीयत में राहत लगी है तो हमने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग कर लिया जाए, जो हमारे काम पेंडिंग पड़े वो काम निपटा लिए जाए और जो हमें सामान लेना है जो कुछ करना है सारी चीज़ करते हैं, निकलते हैं घर से बाहर और करते हैं भाई काम को स्टार्ट। और आज कुछ सामान लेना है तो बहुत सारे पैसे लेकर हम खर्च करने जा रहे हैं, तो चलो फटाफट से निकलते हैं घर से और चलते हैं गाड़ी की तरफ। एंड गाड़ी की चाबी हमने ले ली है, पन्नी हमने ले ली है, सारी चीज़ हमारी तैयारी हो चुकी है। हम जा रहे हैं, पहले बैंक भी जाना है, हमको बहुत सारे काम हैं तो सारे काम निपटाते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारे क्या क्या सामान आज हम खरीदने वाले हैं। चलो 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 हम आ चुके हैं निकल के बस अड्डे और आज भाई जो बाहर का नज़ारा है ना वो एकदम अलग है क्योंकि कल रात से पड़ रही है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश, एक तो ठंड और ऊपर से बारिश हो रही है और हमारा फ़ोन जो है ना एनी टाइम ही बजता है भाई। देखा ये फ़ोन, चलो फोन उठा लेते पहले। बीच में कॉल आ गई थी, आज एक तारीख है ना फरवरी की एक तारीख यानी कि, तो आज हमारे पास जो होता है थोड़ा सा काम होता है बहुत सारे लोगों का, जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं उनका टैक्स कटता है तो उन सारे भाइयों का हमारे पास काम होता है। तो फिलहाल में मैं अभी भाई के सेंटर पर जा रहा हूँ, आपको याद हो मेरे भाई ने गाड़ी ली थी उसके सेंटर पर जा रहा हूँ फिलहाल में, तो वहीं जाके वो सारे काम भी करेंगे और उसको कुछ पेमेंट देनी है वो पेमेंट भी करेंगे सारी चीज़ करेंगे और आज आपको दिखाते हैं भाई मज़ा आ गया मज़ा। तो आज हमारा काम चल रहा है थोड़ा सा तो वो काम निपटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या हमें बैंक से काम है आज, बैंक में भी हमें थोड़े से काम निपटाने तो बैंक के काम भी हम प्रोसेस में सारे निपटा देंगे आज। और भाई बहुत ही जल्दी आपके लिए सरप्राइज़ तैयार हो रहा है, वो सरप्राइज़ तो है ही भाई, आप लोगों को बताइए कि बाइक आ रही है लेकिन कौन सी आ रही है भाई आप लोगों को ये नहीं बताया, तो बाइक की बहुत जल्दी ही जल्दी तैयारी चल रही है और अपनी गाड़ी में गाने चल रहे राम जी के जो हम सुनते हुए जा रहे हैं मज़े में, बहुत प्यारे प्यारे राम जी के गाने चला रखे हैं आज हमने भाई साहब। जिस दिन से राम मंदिर बना है ना उस दिन से बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है अपने को। और चलो चलते हैं भाई के सेंटर पर। भाई फाइनली हम तो पहुँच चुके हैं सेंटर पर और बैठे हुए हैं भाई के पास में, अभी बातचीत चल रही, बहुत देर से सोच रहा हूँ यार अब वीडियो बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा वीडियो बना ही नहीं पा रहे, बार बार कुछ ना कुछ काम अटता जा रहा है। और अभी ये अपनी गाड़ी नहीं लेकर आया, इसको मैंने बोला है कि गाड़ी आएगी और गाड़ी का भाई फुल ब्लॉग भी आएगा हमारे चैनल पर। कब आएगी गाड़ी गाड़ी का भाई? 7 तारीख को ले लीजिए, 7 तारीख को ले ना जाइए, 7 तारीख को चलना है मैं ना लेके जा रहा, मेरे तो ये बढ़िया है पेट्रोल थोड़ी ना सीएनजी मेरी बताओ यार नंबर आ गया, पेट्रोल की गाड़ी ले जाने को बोल रहा है जब सीएनजी की गाड़ी अपने पास है तो पेट्रोल पे क्यों खर्चा करना, वो 1000 रुपया खाएगी हमारी मुश्किल से 650-700 रुपये में काम कर देगी, फायदा देखना हाँ तो फायदा देखना चाहिए, तो मेरा नुकसान करवाने में तो लफड़ा। तो भाई गाड़ी वैसे कब आ रही है? रिव्यू के लिए, रिव्यू के लिए क्या चीज हमें कंपनी ने उसमें दी है क्या नहीं दी है वो सारी चीज बताएंगे, क्या क्या बाहर से लगवाएंगे, क्या क्या उसमें बाहर से मॉडिफिकेशन होंगी, जब मॉडिफिकेशन पे आएंगे तो कंटिन्यू आएंगे फिर तो भाई एक दिन में सारी मॉडिफिकेशन करवा लेंगे सुबह से शाम से, सुबह से और रात 7 तारीख से पहले पहले चले एक दिन मॉडिफिकेशन करवाना, चला चल एक ही दिन में सारे काम निपट भाई आएंगे। एलॉय व्हील लगवाएगा? हां एलॉय व्हील भाई साहब, पहले एलॉय व्हील चेक करेंगे कौन से वाले, 17 इंच 18 इंच
अब समझ जाओ तगड़े वाला होने वाला है स्विफ्ट के साथ में। अब क्या स्विफ्ट के साथ में स्विफ्ट को क्या बनाने वाले हैं, देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। 1 लाख रुपए लगाएंगे ठिकाने, एक से ज्यादा भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। धुआं हुआ तो वहां जाने के बाद डिसाइड होगा। मैट डल गए कुछ भी ना अभी तो भाई, मैट भी डले हो गाड़ी में। चलिए यही ना, चलो आने दो। 200 किलोमीटर बिना चली हो, मेरे पास होती मैं चला देता पहली सर्विस में पहुंचा देता मैं उस गाड़ी को। फाइनली अपना निकलने का नंबर आ गया, यहाँ से निकला हूँ। अब भाई बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, मैं बात करने लगा, ये रहा पोल्यूशन सेंटर मेरे भाई का, हम सब का पोल्यूशन सेंटर और इंश्योरेंस का ही काम है ना। तो मुझे हो गया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम और मुझे अभी काफ़ी सारे काम करने हैं। तो भाई अब निकलता हूँ मैं यहाँ से फटाफट से, और सबसे पहले चलते हैं बैंक, क्योंकि हमें बैंक का जो काम है ना वो अर्जेंट है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा काम अड़ गया था तो अड़ गया। चलो हम आ चुके हैं अपने बैंक और अभी हम जा रहे हैं बैंक। पीछे हमारा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें हमको बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो सारे कामों को निपटा के और फटाफट से आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो फटाफट चलते हैं बैंक के अंदर और लेकर आते हैं कुछ, ठीक है। हमारा बैंक वाला मामला जो है वो कर चुके हैं हम फिनिश, और बैंक से निकल कर अब आया अपना सेंटर जाने का नंबर। वाह, सेंटर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि हमको है सेंटर पे जाके काफी सारे काम, और पुनीत को भी वापस आना है क्योंकि उसे जाना है बैंक, तो उसको वापस भेजते हैं। भाई आज बैंक का काम बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा था, तो वो सारे का सारा काम निपटा रहे, सारे का सारा। क्योंकि ना एक चीज जो पेंडिंग हो गई, मैं पढ़ा रहा 1 हफ्ते तक घर में, 1 हफ्ते तक मैं निकला ही नहीं। अब लगा लो 1 हफ्ते में कितने सारे कामों को लेकर परेशान हो गए। चलो अब यहाँ से ये काम तो निपट चुके हैं, अब यहाँ से सीधा चलते हैं पोल्यूशन सेंटर पे अपने पे, और आज का दिन वहीं बिताएंगे, बैठेंगे वहाँ, बत्ते सत्ते बनाएंगे आप लोगों से भी और लोगों से भी। चलो फटाफट से, मौसम हो चुका है साफ, देख लो धूप निकल चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो बारिश बारिश हो नहीं रही है। अब शाम तक देखते हैं ऐसा ही रहेगा या क्या रहेगा मामला। अभी फिलहाल में हमें पहुँचना है जल्दी, क्योंकि टाइम काफ़ी 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 ज़्यादा हो गया है। दिखाऊँ आपको एक बार टाइम, ये देखो 1 बज चुका है और 2 बजे बैंक का लंच होता है, तो भाई को जो आना है वो 2:30 बजे तक आना है, 2:30-3 बजे तक आना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे पहले भेज दूंगा, जाके वो सीधा बैंक का काम निपटा लेगा। जाम लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ, बहुत ही ज्यादा वहां पे जाम लग जाता है। और देखो उधर बस रॉन्ग साइड जा रही है, ये देख रहे हो पूरी की पूरी बस रॉन्ग साइड, भाई बस गाड़ी वाड़ी सब रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ठीक है। और जाम के कारण जा रहे हैं क्योंकि अड़तला पे जो है ना काम चल रहा है थोड़ा सा, मैंने आपको दिखाया एक वीडियो में पहले वाली में, तो वहां पे लग जाता है बहुत ज्यादा जाम, इसीलिए उधर कोई जा नहीं रहा। हम भी जो है इधर को निकल जाएंगे वसुंधरा में को, ओके, क्योंकि भाई देखो वहां से ही जाम दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही सारी की सारी गाड़ियां, कोई डिवाइडर कुदाता है, कोई किधर को कुदाता है, तो सबको रूट चेंज करना पड़ता है, इसीलिए भाई हम भी रूट चेंज करके ही निकल जाएंगे ना, हम तो यहीं से चेंज कर लेंगे। मुझे तो बताती है आज मैं उस रास्ते को जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो ट्रैफिक है उधर। चलो भी मैंने आपको दिखाया था लगभग 12 बजे 1 बजे करीब, और अब देखो 3:56 हो चुके और मैं यहाँ काफी टाइम का आ चुका हूँ, पर किसी ना किसी काम में फंसा हुआ था। मैंने जैसे आप आज आपको बताया ना कि हाँ भाई आज लगा दो ऐसे आगे फिर पीछे पिछला हिस्सा, भाई गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी वालों को बता रहा हूँ मैं, जरा गाड़ी कर दूँ पहले और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। या देख लो गाड़ी लग रही है ना, ये आ गई। अब भैया से मैं गाड़ी लगवा रहा हूँ फटाफट से, और गाड़ी लगवाने के बाद में कुछ होगा। लो भाई हमने कर दी गाड़ी को भेज दी कर कर आगे, और अब बैठे हैं तो खाने के लिए, हमने सब चीज़ें रख के बेहतरीन बैठ के खा खो रहे हैं, ठंड हो रही है गजब वाली, चाय मंगाइए, चाय पियेंगे बेहतरीन सी और बैठ के एंजॉय करेंगे। जैसे ही काम खत्म होएगा तो भाग जाएंगे अपने घर नू। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, मैं घर से बाहर निकलता ना हूँ ना तो और ठंड पता चल रही है, और बुखार वैसा हो रहा तो ज़्यादा ना निकल रहा था, तो देखो क्या होता है। वेट कर रहे हैं और कस्टमर आ जाए, कस्टमर बहुत ज़्यादा काम चाहिए अपने को, पर आ नहीं रहा है काम,
भाई जनवरी का महीना थोड़ा सा हमारा बेकार गया, बेकार। लो भाई काफी सारा टाइम होने के बाद में अभी हम बैठे हुए हैं, देखो 7 बजने वाले हैं, 6:56 हो रहे हैं और लगभग हम यहाँ से 7:30 तक यानी कि 7:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। और आज आपको आपके भाई का लुक कैसा लगा इस में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई बैठे हुए हैं अभी, वेट कर रहे हैं कुछ और कस्टमर हमारे आ जाएँ तो हम काम करें और काम करने के बाद निकल जाएँ। देखो आज का दिन थोड़ा सा ऐसा ही था, थोड़ा थोड़ा, लेकिन आने वाली वीडियो में जो आपको देखने को मिलने वाला है ना भाई, सबसे मज़ेदार बात करने होने वाली है स्विफ्ट के, जब हम एलॉय व्हील चेंज करवाने वाले हैं। और जो चीज़ आज हमारी डिस्कस हुई थी भाई के साथ में, हमारा भाई जो करवाने वाला है कुछ, तो उस चीज़ के बारे में जो डिस्कस हुई थी ना, जब उसकी वीडियो आने वाली है तो धमाल मचने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करनी है जल्दी से जल्दी। अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि आपको जो स्विफ्ट के साथ मॉडिफिकेशन होने वाली है ना उसकी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। सेंटर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गए हम हैं इंदिरापुरम मेडिकल स्टोर पे। भाई अभी हम सेंटर से निकल के आ गए हैं मेडिकल स्टोर, वो भी अभिषेक फार्मेसी, हमारे भैया की फार्मेसी पे। चलो भाई आज जरा भैया से भी डिस्कस करते हैं, कुछ सामान लेना है वो सामान लेते हैं और उसके बाद एंडारेट जाएंगे घर को। अब इनके पास आए तो ऑब्वियसली यार थोड़ा लेट तो हम होंगे होंगे, पता है मुझे। अगर मैं इनके पास आया हूँ ना कुछ बुद्धू बना बनेगा मेरा, अगर मिल गए तो, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं होगा। चलो मिलते हैं, देखते हैं, अगर होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो आज हमें भैया गिफ्ट दे रहे हैं, है ना भाई, भैया गिफ्ट दे रहे हैं भाई, जिसको चाहिए 90% डिस्काउंट पे दे रहे हैं भैया। आ जाओ तो 90% डिस्काउंट मिलेगा, वैसे ही कहते हैं ना। हां आ जाओ तो भैया, ये का माल, ये पता नहीं किसका माल, ये ब्रश ले लो 10 के बाद 10 के भाव है। ये और ऑयल, ये और ऑयल, ये सारी चीज मिल, एक पैक फ्री, मैं हूं फ्री, ये फ्री है, लेके जाओ इधर, जिसे चमचा बनाना है वो इसे लेके जाओ। तो अभी यहाँ पे चल रहा है, ये सामान लिया भैया से, भैया पैसे हमारे और कछु ना करवा मैं। दावत कब दे रहे हो तुम? दावत शादी हो रही है, मैं जब दूंगा भाई। तुम्हारी शादी हो रही है? शादी नहीं करूंगा मैं अपनी, कैसा है? ठीक है भाभी को बता दूंगा मैं, अभी बताने जाऊँ या थोड़ी देर में जाऊँ? थोड़ी देर में बता दूँगा, थोड़ी देर में ना, ठीक है भाभी को तो बता ही दूंगा मैं। भाभी तो मुझे कभी मिल जाऊंगा यहाँ पे, किसी भी त्योहार पे आ जाऊंगा, जब मिल जाएंगी भाभी से कह दूंगा भाभी देख लो तैयारी में लग रहे हैं। मैं तो उससे कह रहा हूँ, मेरे काम गाड़ी खरीदने बैठ रहे, शादी कर लो तो काम करने वाले मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगी नहीं। सही कह रहे हैं, समझती नहीं है, कम कम अपने गाड़ी भी नहीं मिलेगी, काम करने वाली मिलेगी, इसीलिए दूसरी शादी है। दूसरी शादी भाई गाड़ी के लिए और काम करने वाली के लिए हो रही है। बली देखो भाई, रात को 10:30 ये जगह हुआ है मेरा बच्चा है, हम आ गए घर। और देखो 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 गोप्रो चाहिए, गोप्रो चाहिए, हाँ हाँ दे गाइस, बोलो गाइस। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। तो हम घर आ गए हैं और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम, राम राम करो, राम राम, राम, राम।